बुंदेलखंड में इन दिनों जगह जगह क्रिकेट टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं। मनो बीना में भाई क्रिकेट टूर्नामेंट की तो बात ही कछु अलग है। काहे कि ते क्रिकेट के मैदान पे कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, इन्हें भगवान ने आंखें नहीं दी, लेकिन हुनर ऐसो कि जो भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। आँखों की कमजोरी इनके बुलंद हौसलों के आगे नतमस्तक हो गई। इनकी उड़ान केवल जमीन को मैदान ना बुनी बल्कि आसमान की ऊंचाइयां छुबो है। शारीरिक कमजोरी कोई है भी आगे बढ़वे से नहीं रोक सकत है। एक और नज़ारा मंगलवार को बीना में भाई क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान दिखाई दो। इतने पे मैदान में दो दर्जन से ज़्यादा दृष्टिबाधित खिलाड़ियों ने जब मन की आंखें बना के चौके छक्के लगाए तो देखे वालों के दांतों तले उंगलियां दबके रह गईं। सामाजिक न्याय विभाग इन दिव्यांगों के लाने काम करत है, लेकिन क्रिकेट जैसे खेल अभी भी इनके लाने सपना है। जबकि इनके लाने क्रिकेट में कैरियर हो सकत है। दृष्टिबाधित लोगों के लाने विभाग खेल आयोजित नहीं करात है, जिससे खेलों में हिस्सा ले वो अभी भी इनके लाने एक सपना ही रह गए। सर, हमें एक बिना एक तवंज पे काफ़ी मतलब सेकंड बार अवसर मिला है ऐसे क्रिकेट खेलने का टूर्नामेंट ब्लाइंड क्रिकेट। तो हम सर गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो ब्लाइंड क्रिकेट के टूर्नामेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आयोजित कराए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो कि ऐसे दृष्टिबाधितों के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता हो। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट लीड करे इस एमपी टीम के प्लेयर्स को, और उनको गवर्नमेंट्स के जो अदर ऑफिसर हैं उन वो भी मोटिवेट करें, क्योंकि आज हम तो हालांकि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है क्रिकेट में, और इनको यदि गवर्नमेंट और अदर समाज के लोग जो बड़े लोग हैं प्रतिष्ठित लोग हैं वो यदि इनको अवसर प्रदान कराएंगे तो जरूर ये अपने फ्यूचर में ऊंचाइयों पर जाएंगे। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।